अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं कल, हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी हुई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का सफाया हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं है। वहां पर आम आदमी पार्टी की कामयाबी जबरदस्त तरीके से हुई है, और इस तरह से पंजाब बदलाव चाहता है, और अब ये आम आदमी पार्टी जो जीत हुई है पंजाब में, और वो जीत से ये साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में सारे मुल्क में, सारे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा, और जो पंजाब में कामयाबी हुई है उसको उसी की खुशी बनाते हुए यहाँ पर हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और जहरा नगर के इलाके में खुशी मनाई गई आम आदमी पार्टी के वर्करों की जानिब से। मोहम्मद माजिद जो खैरताबाद इंचार्ज है, वो और पार्टी के दूसरे वर्कर की जानिब से केक काटा गया, मिठाई तकसीम की गई, पटाखे फोड़े गए, और ये कहा गया कि अब आम आदमी पार्टी एक नया इनकलाब लाएगी। और जिस तरह से ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं गुम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की कामयाबी हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया आने वाले 2024 में आम आदमी पार्टी करेगी। बाद आज़ा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहता है,
माजिद कॉन्टेस्टेड एमएलए हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी। आज हम सभी लोग की दिल की गहराइयों के साथ पंजाब के लोगों को दिल से मुबारकबादी देते हैं जो आज एक हिंदुस्तान की तारीख में एक बदलाव लाया है, एक इनकलाब लाया है। क्यों लाया? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अगर कोई बिल्डिंग बनाया जाता है उसका फाउंडेशन अच्छा बनाया जाता है। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे तो उनका मुस्तकबिल बनेगा, वो स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, वो स्ट्रक्चर एक इंडिया बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगा, इंडिया तरक्की करेगा। आज 75 साल में हमारे मुल्क को कहां से कहां लाए। जब अंग्रेज हमारे पर हुकूमत करने आया हमारा से हकाले, जब इंडियन करेंसी और यूएस करेंसी दोनों सेम था, ये 70 साल में ये लोग इतना करप्शन करे हैं, इतना पैसा खाए हैं। आज स्विट्जरलैंड जो चलता है, हमारे गरीब मासूम जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं उनका पैसों से स्विस बैंक चल रहे हैं, स्विट्जरलैंड चल रहा है। ये हमारे घर के चोरों से, आज हमारे को घरों से बाहर निकलना है, ये चोरों से लड़ना है। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे हमारे घर के चोरों से। इंतहाई खुशी का दिन है जो पंजाब के लोगों ने हमारे मुल्क में एक एहसान करा है, जो अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को का साथ देके भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया है। आपको मैं एक और बताता चलूं, आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी के लेवल में आ गई है। अभी तक साउथ के लोग बोलते थे अरे भाई वो नॉर्थ की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है। बिल्कुल, दिल्ली भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, अब गोवा भी हमारा है, कल तेलंगाना भी हमारा रहेगा, हिंदुस्तान हमारा है। ये है रीजनल पार्टी टीआरएस के ऑफिस, यहाँ के स्टेट का पार्टी ऑफिस है, और ये है नेशनल पार्टी ऑफिस आम आदमी का। यहाँ के तेलंगाना के स्कूल देखिए आप ये हालत में है, और दिल्ली के स्कूल देख लीजिए। अब आप बताइए आपके बच्चों का मुस्तकबिल ये बिल्डिंग में सुधरेगा, ये गंदगी में सुधरेगा? आज हम एक हफ्ते से स्कूल कर, दिल से पूछो, हमारे से देखा नहीं जा रहा है। क्यों? आपके पैसे से आज जो लीडर्स अपनी औलाद को यूएस भी जाके पढ़ा रहे हैं, अपनी औलाद को कई और कंट्रीज भी जाके पढ़ा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब की हम हिम्मत की अफजाई करेंगे और उनकी हिम्मत की दांत देंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक अहद कर लिया है। जो मंत्री, जो मिनिस्टर, जो एमएलए, जो बड़े बड़े लीडर्स को सहूलतें मिलेंगे वो आम आदमी को मिलेंगी। हम आवाम से हैं, आम आदमी से जुड़िए, आम आदमी से जुड़ के आम आदमी की ताकत बढ़ाइए, और हिंदुस्तान को फिर वही सोने की चिड़िया बोलने के पोजीशन पे लाइए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अगला निशाना, अगला निशाना, अगला निशाना। जय हिंद, जय हिंद। आपके लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने अपनी खुद की बदलाव को चुना है, अपने खुद से एक नई उम्मीद, एक नई जिज्ञासा से एक बदलाव को चुना है, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी एक नॉर्मल पार्टीज़ की तरह नहीं है, दूसरी पार्टीज़ की तरह जो लोगों का, जनता का पैसा चोरी करके फिर पार्टियां करती हैं। ये एक परिवार है जो झाड़ू लेके पूरे देश को साफ करने चला है। तो आज हम चाहते हैं, जैसे पंजाब के लोग सब जुड़े हैं, पूरे देश भर के लोग जुड़ के ये
चैलेंज को कबूल करके ये करप्शन फ्री इंडिया बनाए, और उसके लिए केजरीवाल और पूरा पंजाब आपके साथ है। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो। जो जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है उन सुविधाओं को जो ना उपलब्ध कराने में लगी होती है। आज दिल्ली का जो मॉडल है इंटरनेशनल लेवल में माना जाता है, जिसको देखने के लिए सारे जो है ना जो डेवलप कंट्रीज जिसे हम कहते हैं यूएसए है, जर्मनी, यूरोप कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बड़े बड़े लोग आकर के जो है ना दिल्ली के एजुकेशन को देखते हैं। दिल्ली के एजुकेशन को वो लोग परेशान हो रहे कि भाई इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट कैसे आ गया। यानी एक जो है ना आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा इतिहास रखा जिससे इस इतिहास से सारे जो फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो लोग आके हमारे देश में आकर के देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारा जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ये है आम आदमी पार्टी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो हमारे मीडिया वाले दोस्त यहाँ पर मौजूद है उनके ज़रिए सारे भारत देश की सारी जनता से मैं जो है ना एक मैसेज दे रहा हूँ कि देखिए बदलाव को लाइए। आज तक हम लोग ने वोट दिया है, आज वोट देने से पहले सोचने की ज़रूरत है। हमारा वोट कहीं ज़ाया ना जाए ये सोचने की ज़रूरत है। हमारा वोट चाहे हम जो है ना हमारे देश को जो है ना डुबाने के लिए दे रहे हैं या देश की तरक्की में दे रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने पंजाब में जो है ना जीता है ये हमारी जीत नहीं है, आपकी जीत है। उसी तरह से सारे भारत की जो है ना जीत होगी, हमारा भी जो है ना भारत का नाम सारे जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में लिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो यहाँ पर मैं बैठ कर के हम इंडिया में बैठ के बोलते हैं कि भाई यूएस बहुत अच्छा है, जर्मनी अच्छा है, स्विट्ज़रलैंड अच्छा है, फ्रांस अच्छा है, लेकिन वहाँ के पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो कि पॉलिसीज़ ने आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किए। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर मैं जाके देखे पहला बेसिक नेसेसिटी एजुकेशन और दूसरा नेसेसिटी जो होता है हेल्थ, ये जो है ना फ्री होते हैं। वही कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में माने जाते हैं और वही सिस्टम को जो है ना आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने प्रूव किया। आप हमारे पास में पंजाब एक आ चुका है जो कि हम दिल्ली से और बेहतर मॉडल करके दिखाएंगे। और आज आम आदमी पार्टी जीत के मौके में गुरूर में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि पंजाब की जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे खांधों पर डाल दी है, इस जिम्मेदारी को हमको निभाना है, इनके विश्वास को निभाना है। इन्होंने जो हमको विश्वास दिया उसमें बिल्कुल खरोच नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से जो है ना आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करेगी, और साथ ही साथ दूसरे भी स्टेट के लोगों से हमारी अपील है कि आम आदमी पार्टी से आइए, आम आदमी पार्टी से जुड़िए, लेके चलते हैं हमारे भारत देश को आगे, हमारे नेशन को हम डेवलप करेंगे। हम जो है ना आज से हमारा यही नारा रहेगा कि आगे हमारा भारत देश का हर जगह हमारा नाम हो, जिस तरह से यूएस का नाम लिया जाता है, जिस तरह से सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है, उस तरह से भारत देश का भी नाम लिया जाता है। ये आम आदमी पार्टी का सपना है। मैं चाहता हूँ कि सारे भारत देश के वासी हमारे साथ में जुड़े और हमारे सपने को पूरा करें। थैंक यू।